आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड वी, एक ई कैपिटल वी है ना, फ्रॉम पॉइंट टू। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको ओ से अपन ने कैपिटल वी की स्पीड से फेंक दिया है, ठीक है। आई कह रहा है ओ से, है ना। आई कह रहा है मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। ये 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बना के जब जा रहा था, ठीक है। अब आई कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट, तो जब मैंने इसको फेंका उसी पर्टिकुलर टाइम पे, सेकेंड पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड वी। तो एक दूसरे पार्टिकल को ये स्मॉल वी वेलोसिटी से फेंक दिया है फ्रॉम पॉइंट ए और ए पॉइंट से, है ना। अब आई कह रहा है टू पार्टिकल्स रीच एच द हाइएस्ट पॉइंट ओन द पैराबोलिक पाथ। मतलब इस पैराबोलिक पाथ का हाइएस्ट पॉइंट एच है अगर, तो उस पॉइंट पे दोनों एक साथ पहुंचते हैं, है ना। पार्ट वन पार्टिकल पाथ ऑफ पार्टिकल वन साइमल्टेनियसली। तो यही कह रहा है कि एच जो है पैराबोलिक पाथ का हाइएस्ट पॉइंट था। अब आई कह रहा है द रेशियो ऑफ कैपिटल वी बाय स्मॉल वी, तो ये वी बाय वी का रेशियो पूछना चाहता है ना। तो ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो है मैं इस क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन का थोड़ा वो लेना चाहूँगा मदद, कि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल में जी की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल मैं मान लूँ ओ है और ये पार्टिकल ए है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। और एक्सेलरेशन ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ए ये कितनी आ जाएगी? एक्सेलरेशन ऑफ ओ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ओ कितनी है? ये तो है कुछ, तो वेलोसिटी ऑफ ओ अगर मैं लिखूं तो ये मेरे को पता है कितनी है, वी कॉस 30 तो इसकी वाई डायरेक्शन में, और वी साइन 30 इसकी एक्स डायरेक्शन में। तो वी साइन 30 आई कैप प्लस वी कॉस 30 जे कैप, है ना। और वी ए वाली की वेलोसिटी कितनी है? तो वी ए तो मेरे को पता है कि वी ए कितनी है, वी स्मॉल वी इन जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात अगर कर ले तो दोनों पार्टिकल पे एक्सेलरेशन तो जी ही लगेगा, पार्टिकल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही बस फोर्स लग रहा है ना। तो ए ओ कितना है? जी, जे डायरेक्शन में, और ए ए ये भी है जी, अगर मैं नीचे मान रहा हूँ तो माइनस जी ये भी जे डायरेक्शन में, है ना। तो ये ए ओ विद रेस्पेक्ट टू ए ए कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ए ओ विद रेस्पेक्ट टू ए ए ए आ जाएगा जीरो। तो एक्सेलरेशन दोनों के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ए का ओ के रेस्पेक्ट में जीरो है, और वेलोसिटी ओ की ए के रेस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ए आ जाएगी वी ओ माइनस वी ए, वी ओ ये रहा। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, तो वी बाय टू आई कैप प्लस वी इंटू रूट थ्री बाय टू जे कैप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में तो कोई रिलेशन नहीं है, एक्सेलरेशन दोनों के रेस्पेक्ट में तो जीरो है। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ए अगर निकालेंगे तो ये मेरी आ रही है वेलोसिटी वी जो है ये वी ओ, तो वी ओ है वी बाय टू आई प्लस रूट थ्री बाय टू माइनस दिस कर देंगे, तो यहाँ से वी बाय टू आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा बस, प्लस वी रूट थ्री बाय टू माइनस स्मॉल वी ये जे कैप डायरेक्शन में आ गई वेलोसिटीज, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गई वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी रिलेटिव मोशन में। अब यहाँ हुआ क्या है कि ये जाके ये ओ वाला पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ए वाले पार्टिकल से टकरा गया है ना। ये ओ है और ये ए है, अब ये दोनों जाके ऊपर टकरा गए हैं। तो टकराएंगे क्यों? इनके पास तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो इनके पास सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना। तब जाके ये टकरा पाएंगे इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। और कब होनी चाहिए सेम वेलोसिटी? तो इनके पास जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ए जो है, ये एच पॉइंट से पास हो जाए, है ना। और या फिर ऐसे सोच लो कि इन दोनों को एच हाइट पे पहुंचना है एक साथ, है ना। तो ये कब पहुंचेंगे? जब अपना ए वाला यहाँ पे एच पे पहुंचे और ओ वाला भी एच पे पहुंचे, तो ये दोनों एक साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तभी पहुंचेंगे जब अपना ये ओ वाला पार्टिकल जो है इसका जो ऊपर जाने की वेलोसिटी है ये ए वाले की वेलोसिटी के बराबर हो, और
साथ ही साथ इसका जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रही हो, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच रही हो जब ये दोनों ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब जब ये दोनों, अगर इन दोनों को यहाँ पहुंचना है एक साथ, तो इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। हाँ, तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम करेंगे मतलब रिलेटिव में ये वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इनको इसको जीरो करेंगे तो वी इंटू √3/2 - v = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से v√3/2 = v आना चाहिए। तो यहाँ से जो v/v का रेशियो आ रहा है, तो v/v का जो रेशियो है वो 2/√3 आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से यही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और या फिर ऐसे समझ लो कि ये दोनों पार्टिकल तभी मिल पाएंगे जब ये इन दोनों की जो वाई डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तभी अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो नहीं हुई, मान लो एक की ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो इनने एक साथ तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक जब आगे निकल जाएगा तो दूसरा वाला पीछे रह जाएगा। और यही केस हमेशा चलता रह जाएगा, जो आगे वाला है वो हमेशा ही आगे रह जाएगा और जो पीछे वाला है वो पीछे ही रह पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फिर कभी नहीं मिल सकते। तो इनको अगर मिलना है तो इनके वाई डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट जीरो होना चाहिए। तो उसको जीरो करने से रेशियो जो मेरे को मिल रहा है 2/√3 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन सी कह रहा है ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।